नवीन जी की बातों को आपने सुना, उनका कहना है कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो इस तरह से शोर शराबा करता है। आपसे जानना चाहूंगी एक विपक्ष के तौर पर इस बार आप क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाएंगे और क्या विपक्ष चाहती है इस बार का बजट कैसा हो, क्या कुछ खास हो? सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के आज बजट को लेकर के जो चर्चा हो रही है, हम समझते हैं इस पे सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बहस करना चाहिए, चाहे सदन हो और चाहे मीडिया के एक चैनल पे बैठ करके बहस की बात हो जी। हम सभी लोग, चाहे आप हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और चाहे हम राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक जवाबदेह है, जिम्मेदारी के साथ इस पे बहस और चर्चा करनी चाहिए। सृष्टि जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष को पूरा सम्मान देते हुए उनकी बात का आदर करें। किसी भी सत्ता के लिए, किसी भी सरकार के लिए जितनी ही जिम्मेदार, जितनी ही महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष है, उतनी ही महत्वपूर्ण विपक्ष है। दोनों ही जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। एक कुछ वोट, कुछ सीटें ज़्यादा पा जाते हैं तो सरकार में हो जाते हैं और कुछ सीटें कम हो जाती हैं तो विपक्ष में रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने जितनी बड़ी जनादेश दिया है उत्तर प्रदेश के 2017 चुनाव में, उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, सम्मान तो किया जाना चाहिए, लेकिन देवेंद्र जी कहीं ना कहीं सृष्टि जी मैं उसी मुद्दे पे, आपके मुख्य मुद्दे पे आना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अहंकार को छोड़ करके एक समरसता का वातावरण बनाना चाहिए, एक मानवता, एक मानवीय और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अहंकार कहाँ दिखाई दे रहा है सर? आपको बीजेपी में कहाँ अहंकार दिखाई दे रहा है? कानून व्यवस्था का मुद्दा जी, सृष्टि जी, ये आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, प्रदेश की जनता जानती है कि जितने जोश और उल्लास के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया था, मैं कहना चाहता हूँ वो चारों दिशाओं में फेल है। कानून व्यवस्था की जवाब नवीन जी देंगे इसका। देवेंद्र जी रोकना चाहूंगे, नवीन जी, क्राइम कायम। देवेंद्र जी ने आज मैं कहना चाहता हूँ कि विकास के जितने भी सोपान, जितने भी वादे, जितने भी वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था, वो हम समझते हैं कि बिल्कुल और बिल्कुल कोई प्रयास करने का काम नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी जब 2017 के चुनाव में गई तो हमने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें